अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एन टी वी उर्दू। इस चैनल में हम आपके लिए बहुत ही इंटरटेनमेंट से भरपूर वीडियोस लेकर आते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। औरत पानी जैसी होती है और बंदा मिट्टी जैसा, फिर दोनों की शादी हो जाती है और उनकी जिंदगी में चिक्कड़ी चिक्कड़ चिक्कड़ी चिक्कड़। जब बच्चे का शौक शाहरुख खान बनने का हो और वालदैन चाहते हैं कि ये आलिम बन जाए तो फिर बच्चा डॉक्टर आमिर लियाकत बन जाता है। एक अजीब लफ्ज है सॉरी, बंदा कहे तो गुस्सा खत्म, डॉक्टर कहे तो बंदा खत्म। मुझ में और मेरी बीवी में बड़ा इत्तफाक है, नींद की गोलियां वो खाती है और सुकून मुझे मिलता है। दुनिया में कामयाब तरीन जोड़ा जराबों का है, एक के बिना दूसरा अधूरा हो जाता है। हम इतने अमन पसंद हैं कि हमारे सबसे बड़े अखबार का नाम जंग है। दुनिया में सबसे ज्यादा सच शराब खाने में शराब पीकर बोला जाता है और दुनिया में सबसे ज्यादा झूठ अदालतों में बोला जाता है। पाकिस्तान में खाने का अदब सिर्फ सरबराहों और वजीरों को आता है, वो खामोशी से खाते हैं। उस्ताद शागिर्द से कोई मिसाल दो कि सर्दियों में चीजें सुकड़ती हैं और गर्मियों में फैलती हैं। शागिर्द बड़ा ही सोचते हुए, जनाब गर्मियों में छुट्टियां फैलकर 3 महीने की और सर्दियों में सुकड़कर 15 दिन की रह जाती है। एक पंजाबी बहुत गालियां दिया करता था, फिर उससे वादा लिया गया कि अब वो अपनी बाकी की सारी जिंदगी गालियां नहीं देगा। बेचारा 3rd दिन ही फौत हो गया। फेसबुक की लव स्टोरी, आई लव यू लड़की, लेकिन मैं तुमसे 2 साल बड़ी हूँ। लड़का, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लड़की, लेकिन पेरेंट्स नहीं मानेंगे। लड़का, प्यार सच्चा हो तो सब मान जाएंगे। लड़की आंसुओं से रोते हुए कहने लगी, ना प्यार करते हो। लड़का, अपनी जान से भी ज्यादा। लड़की, सॉरी भाई मैं लड़का हूँ सच में, नहीं तो भाग के शादी कर लेता आपसे। खवातीन 30 आदमियों की अफ्तारी आराम और सुकून से तैयार कर लेती है और 3 मर्दों ने सारे घर में शोर मचाया होता है। नमक फड़ाई, बर्फ कितने गई, पकौड़े से फड़ाओ, दही पल्ले नजर नहीं आ रहे, ओ यार मेरा शरबत का गिलास कितने चुक लिया। एक ऑफिसर पागल खाने का मुआयना कर रहा था, दौरान मुआयना इसने देखा कि एक पागल ने अपने हाथों से ख्याली पिस्तौल बनाया, पोजीशन दी और निगरानी पर खड़े डॉक्टर की तरफ ख्याली पिस्तौल तान कर मुंह से कहा, हाँ। डॉक्टर ने सीने पर हाथ रखकर झूठ मूठ के मर जाने की एक्टिंग की। थोड़ी देर बाद पागल ने फिर वही हरकत की और डॉक्टर ने फिर से मर जाने की एक्टिंग की। जब कमरे में पहुंचे तो ऑफिसर ने डॉक्टर से कहा, वो तो पागल है, जो करता है करने दें इसे, आप मरने की बार बार एक्टिंग क्यों करते हैं। इस पर डॉक्टर ने जवाब दिया, जनाब अगर मैं मरने की एक्टिंग ना करूं तो वो समझता है कि पिस्तौल खराब हो गया है, फिर वो कराटे मारने पर उतर आता है। मेरी बेगम ने सहरी टाइम मुझसे पूछा, जनाब आपने ब्रश कर लिया। मैंने जवाब दिया, हाँ अब तो ब्रश भी मेरे से परेशान हो गया तुम्हारी तरह, क्योंकि मैं रोज ही कर लेता हूँ। दादा, पुत्र जरा अंदर से मेरे दांत तो ले आ। पोता, पर दादाजी अभी तो रोटी नहीं बनी। दादा, नहीं पुत्र रोटी नहीं खानी, सामने वाली बुढ़ी अम्मा को स्माइल देनी। अंग्रेज, क्या तुम्हें तैराकी आती है। पाकिस्तानी, मुझे तैराकी नहीं आती। अंग्रेज, फिर तुमसे तो मेरा कुत्ता भी अच्छा है कि वो तैर लेता है। पाकिस्तानी, क्या तुम्हें तैराकी आती है। अंग्रेज, हाँ आती है। पाकिस्तानी, फिर तुम्हारे में और कुत्ते में क्या फर्क हुआ। एक स्कूल में आग लगने की वजह से तमाम स्टूडेंट खुश थे कि कल से स्कूल में छुट्टियां होंगी। वहीं एक बच्चे को उदास देखकर टीचर ने पूछा, बेटा आपको खुशी नहीं हुई। बच्चा मासूमियत से बोला, सर आप तो बच गए ना। गाहक हजाम से, तुम लोगों को डरावने किससे क्यों सुनाते हो। हजाम, इसलिए कि बाल काटने में आसानी रहती है। गाहक हैरानगी से, हैं बाल काटने में आसानी रहती है। हजाम, हाँ ना।
जब मैं उन्हें डरावने किस्से सुनाता हूँ तो उनके बाल खड़े हो जाते हैं। बीवी के मेके जाने के बाद फैसलाबादी शोहर ने अपनी गर्लफ्रेंड को घर मिलने के लिए बुला लिया। बीवी के पालतू तोते ने देख लिया और शोहर से बोला, मैं मालकिन को बताऊंगा कि तुम पीछे से क्या करते हो। गर्लफ्रेंड के जाने के बाद शोहर ने एक काला कपड़ा तोते के पिंजरे पर डाल दिया और तेज पंखा चला दिया। एक टीन डब्बा लेकर इसको पीटने लगा और सेहन में देसी घी की चूरी भी खेर दी। कुछ दिन बाद जब बीवी वापिस आई तो शोहर बोला, ये हमारे तोते का दिमाग कुछ खिसक गया लगता है, ऐसे ही ऊटपटांग बातें करता रहता है। बीवी जब तोते के पास गई तो तोते ने शोहर की गर्लफ्रेंड के बारे में उसको बताया। शोहर बोला, ये ऐसे ही बकवास कर रहा है। शोहर ने तोते से पूछा, अच्छा ये बताओ कब आई थी मेरी गर्लफ्रेंड। तोता, जिस दिन दोपहर को ही अंधेरा हो गया था, तेज आंधी तूफान आया था और देसी घी की चूरी की बारिश हुई थी। तुर्की ड्रामों ने हमेशा पाकिस्तानी लड़कों की वैल्यू ही कम की है। अब इतने भी कोजे नहीं होते यार हम। आधे मुल्क को पढ़ाया जा सकता है लेकिन छोटे बहन भाइयों को नहीं। वकील, तुम्हारे मकतूल खावन के आखिरी अल्फाज क्या थे। बीवी, मेरी ऐनक कहाँ है नीलम। वकील, इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात थी जो तुमने उसको कत्ल ही कर दिया। बीवी, लेकिन मेरा नाम तो रजिया है ना। ब्रेकिंग न्यूज, मुल्क में चुगलियों की खतरनाक हद तक कमी, कोरोना की वजह से औरतें इकट्ठी नहीं हो पा रही। जिस दिन अम्मी खास हदायत करके जाती हैं कि आपस में लड़ना नहीं, तारीख गवाह है, इस दिन हमारे घर में 1965 की जंग छिड़ जाती है। मुझे याद है मैं बचपन में सर्दियों में पानी गर्म आने की दुआ मांगा करता था कि या अल्लाह टैंकी से गर्म पानी आ जाए, और वो अब जाकर कबूल हो रही है दुआ जब गर्मियां आ गई। पाकिस्तानी शोहर की ताबेदारी, बेगम ने 50 रुपए के 2 नोट दिए और कहा, 50 का प्याज 50 के आलू ले हैं। मासूम शोहर कुछ देर बाद वापस आया और बोला, बेगम प्याज वाला नोट कौन सा है। यार मैं एक जगह से गुजर रहा था तो मैंने पढ़ा अर्तगल सर्विस स्टेशन, ये देखकर तो मैं हक्का बक्का रह गया और मैंने सोचा अभी तो ये शुरू हुआ था, अभी तो अर्तगल लिमको, अर्तगल पापड़, अर्तगल बिस्किट, अर्तगल घी, अर्तगल चाय, अर्तगल सीमेंट, अर्तगल कार्ड, अर्तगल गार्डर और ना जाने क्या क्या। सदियों पहले इस मर्द मुजाहिद को पता भी नहीं होगा कि तुर्कों से ज्यादा पाकिस्तानी मुझसे मोहब्बत करेंगे। जब कोई तुम्हारी खिदमत अपने टब्बर समेत करना चाहता हो तो समझ जाओ तुम्हें चूना लगने लगा है। एक लड़का जिस लड़की को पसंद करता था इससे कहने लगा कि मुझे कोई ऐसा तोहफा दे दो जो मैं अपने पास रख सकूं। लड़की ने अपने जूते का तला उतार कर दे दिया। लड़का वो तला सुनार के पास ले गया और इससे कहा कि चांदी का फ्रेम बनाकर इसमें जड़ दो। सुनार ने कहा कि कल आकर ले जाना। अगले रोज लड़का तला लेने गया तो सुनार ने पूछा कि ये जूता किस पीर साहब का है। लड़का, ये पीर साहब का नहीं बल्कि मेरी महबूबा का है। सुनार, उठ खबीस, कल से मेरा सारा खानदान जूती चूम चूम कर पागल हो गया है। एक औरत मोटी औरत से, तुम्हें कभी अपने मोटापे का एहसास हुआ है। मोटी औरत, हाँ, जब धोबी ने मुझे मेरे कपड़े वापस देते हुए कहा, बाजी हम तंबू नहीं धोते। नर्सरी क्लास का बच्चा टीचर से पूछे बगैर पानी पीने चला गया। जब वापस आया तो टीचर ने कहा, जब आप क्लास से बाहर जाया करो तो मुझसे पूछ कर जाया करो। बच्चे ने मासूमियत से जवाब दिया, टीचर जब आप बाहर जाती हैं तो मुझसे पूछ के जाती हैं। बेटा अपनी अम्मी से, अम्मी इस मरतबा हम सारे पटाखे यहाँ से खरीदेंगे। माँ, लेकिन बेटा ये तो लड़कियों का हॉस्टल है। बेटा, लेकिन पापा तो कहते हैं सारे पटाखे यहीं रहते हैं। पाकिस्तान के एक अजीम शहर में एक औरत ने किसी हाथ देखने वाले को अपना हाथ दिखाया तो वो सख्त परेशान हो गया और हिचकिचाते हुए बोला, मुझे अफसोस है कि आज से 2 माह बाद तुम बेवा हो सकती हो। और तुमने बेपरवाही से कहा, सारी तैयारी मुकम्मल है, तुम बस ये बताओ कि मैं पकड़ी तो नहीं जाऊंगी। मुनीर साहब का दरवाजा जोर से बजा,
वो गुस्से से दरवाजे पर गए और बोले, कौन गधे का बच्चा है? बाहर से इनके साहबजादे की आवाज आई, अब्बू मैं हूँ। एक सरदार जी अपनी बेगम को मतला करते हैं कि आज शाम 4 बजे फला मैदान में खोतों यानी के गधों की दौड़ है, इसलिए मुझे हर सूरत वहाँ पहुँचना है। सरदारनी हकारत और हमदर्दी के मिले जुले जज्बात के साथ बोली, आपसे चला तो जाता नहीं, दौड़ आपने क्या खाक लगानी है? एक पार्टी में एक लड़की दूसरी लड़की से बोली, देखो उस तरफ जो हैंडसम सा लड़का खड़ा है कितना बोलता है, बोले ही जा रहा है स्टूपिड कहीं का, 1 महीने बाद नहीं बोलेगा, दूसरी लड़की ने जवाब दिया। पहली लड़की ने ताज्जुब से पूछा, क्यों वो कैसे? दूसरी ने जवाब दिया, अगले महीने मेरी इससे शादी होने वाली है।